एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी एंड आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक डोनेट बन की मदद से ब्यूटीफुल से टू बन हेयर स्टाइल, जो कि पतले हल्के एंड छोटे बालों पे भी बहुत ही इजीली बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही स्टाइलिश भी लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कर लेना, और जिसके भी बहुत हेयर फॉल होता है एंड पतले बाल हैं, ये सारे हेयर स्टाइल आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी कॉमेडी रील्स वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सेकेंड चैनल जो है उसको भी प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, प्रीत तिवारी 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले मैं बालों का थोड़ा सा सेक्शन लूँगी यहाँ पे, और यहाँ अपर में अपर का भी छोड़ सकते हो आप। डायरेक्टली क्राउन एरिया से थोड़ा सा हेयर ले लेना है इस तरीके से, और एक रबड़ बैंड यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, पतला वाला रबड़ बैंड चाहिए यहाँ पे आपको, तो मैं ये वाला पतला वाला रबड़ बैंड ले रही हूँ एंड यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्रंट का जो हेयर है ये मैनेज करने में हमको दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप फ्रंट के हेयर को उठा लीजिए और यहाँ पे भी एक रबड़ बैंड लगा दीजिए। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पे एक रबड़ बैंड और ऐड करेंगे पतला वाला ही। ओके, इस तरीके से लगा दिया है ये वाला हेयर स्टाइल को। अब जो हमने क्राउन एरिया पे थोड़ा सा हेयर लिया था उसमें आपको एक डोनेट बन लेना है, और इस हेयर में लगा के डोनेट बैन को अच्छे से यूपिन की मदद से सेट कर देंगे ताकि आपका जो डोनेट बन है वो अपनी जगह से इधर उधर ना सरके। ओके, अभी क्या करना है, साइड से थोड़ा सा सेक्शन लेना हेयर का, ओके, अभी हेयर को इस तरीके से डोनेट बन के अंदर हैंड को इंसर्ट करना है, और ये जो आपने हेयर सॉरी अपर डायरेक्शन में इंसर्ट करना है फिंगर को इस तरीके से, और जो आपने हेयर पकड़ा हुआ है इसको इस तरीके से लेके जाना है और इन अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। अपर में जो आपका जो बन का हेयर था उसमें भी इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करोगे, और देख लीजिए ऊपर से आपको नीचे की तरफ फिंगर इंसर्ट करना है, सॉरी नीचे से आपको ऊपर की तरफ फिंगर इंसर्ट करना है और हेयर को खींचना है। ओके, ओके, और आप यहाँ पे इसको सेट करने के लिए यू पिन्स लगा सकते हो जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे, और बहुत आसानी से आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो इस तरीके से हेयर को पकड़ना है, यू पिन जो आपका डोनेट बन है उसके अंदर यू पिन को इंसर्ट करना है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है, इस साइड के हेयर को लेंगे और फिंगर को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ इंसर्ट करेंगे और हेयर को इस तरीके से नीचे की तरफ खींच लेंगे। ओके, यहाँ पे भी एक यू पिन लगाएंगे, थोड़ा सा सेक्शन और इस साइड से लेंगे बालों का, अगेन डोनेट बन के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे फिंगर को और हेयर को नीचे की तरफ खींचेंगे। फिर से आपके जितने हेयर बचे हैं सबको एक साथ ले लेंगे और डोनेट बन के अंदर इंसर्ट करेंगे, और अच्छे से यू पिन को सेट कर देंगे ताकि जो आपका डोनेट बन है वो अच्छे से हाइड हो जाए।
दो चार यू पिंस लेके अच्छे से सेट कर लीजिए। जहाँ से भी आपके जो आपका डोनेट बन है वो दिख रहा है वहाँ पे आप यू पिंस ऐड कर दीजिए। मैं इसी यू पिंस को निकाल के दोबारा से ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए हेयर हमारा जो है और डोनेट बन के साथ। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हेयर अनमैनेज दिख रहा है तो यहाँ पे एक यू पिन और ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से और ये ब्यूटीफुल सा छोटे पतले बालों में हेयर स्टाइल बन के आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने रबर बैंड लगाया था इसको खींच के नीचे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे अच्छे से। ओके और अगर दिख रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा फ्लावर वाला जो यू पिंस आते हैं वो ऐड कर सकते हो जिससे कि आपके बन को और भी अच्छा सा लुक मिल जाएगा। तो एक एक यू पिन मैं भी सेंटर में लगाऊंगी और एक जहाँ पे मेरा रबर बैंड दिख रहा है यहाँ पे लगाऊंगी। आप जितने यू पिंस चाहो उतने ऐड कर सकते हो फ्लावर वाले जिससे कि आपका बन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। तो ये है फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। एंड पतले हल्के बालों में ये बन बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। तो ये है बन का फाइनल लुक। अब आप इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए टिकाना चाहते हो तो आप सेटिंग स्प्रे लेके और अच्छे से बालों पर मार दीजिए और आपका जो बन है और यू पिंस है वो निकलेंगी नहीं अपनी जगह से और लंबे टाइम तक आपका बन ऐसे का ऐसे रहेगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जहाँ से भी आपको थोड़ा सा अनमैनेज लगेगा वहाँ पे आप पिन वगैरह अटैच कर सकते हो। मेरे को तो ऐसे ही ठीक लग रहा है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रही हूँ सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स सेकेंड जो बन हेयर स्टाइल है एक डोनेट की मदद से इसको आप लो हाई आपकी चॉइस है आप कैसे भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा हाई बना रही हूँ मुझे हाई अच्छा लगता है एंड मेरे फेस पे हाई बन सूट करता है। आप अगर साड़ी वगैरह पहनते हो तो लो भी बना सकते हो सेंटर पार्टीशन से मिडिल पार्टीशन से आपको जैसे करना है सेंटर पार्टीशन से और साइड पार्टीशन से आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए एक हाई पोनी टेल बना ली है और यहाँ पे इसको रबड़ बैंड से सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे आपको रबड़ बैंड थोड़ा सा चौड़ा वाला लेना है। ओके तो मैं यहाँ पे रबड़ बैंड ले लिया ब्लैक कलर का। ब्लैक रबड़ बैंड ठीक रहता है आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया है तो क्योंकि हल्का फुल्का ये दिखता भी है तो आपका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक रबड़ बैंड ही यूज करती हूँ। मेरे चैनल पे आपको इस तरीके के पतले हल्के बालों के लिए टिप्स एंड ट्रिक एंड बहुत सारे हेयर स्टाइल मिलते रहेंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एक क्लचर से कितने हेयर स्टाइल करें एक हेयर स्टाइल टूलिंग से बहुत सारे हेयर स्टाइल इस टाइप की वीडियोज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आती हूँ अपने चैनल पे। तो आप चेकआउट करते रहिएगा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप डोनेट बन को ऐड करेंगे। ओके देन यहाँ पर आपको कोई यू पिंस वगैरह अभी नहीं लगाना है लगाना है लेकिन बाद में लगाना है। फिर आपको इस तरीके से हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डोनेट बन में फिंगर इस तरीके से इंसर्ट करना है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एंड हेयर को इस तरीके से लेना है। ध्यान से देख लीजिए और ऐसे खींच लेना है। ओके अब जो आपने ऊपर हेयर खींचा है उसको इस तरीके से फैला देना है ताकि आपका जो बन है डोनेट है वो अच्छे से हाइड हो जाए। फिर जो आपके हेयर बचे हैं और आपका जो ऊपर वाले अपर डायरेक्शन से जो हेयर बचे थे सबको एक साथ मिला लेना है। फिर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ फिंगर इंसर्ट करना है एंड हेयर को खींच लेना है। अगर आपके छोटे बाल होंगे तो इतने में ही आपका हेयर ख़त्म हो जाएगा। अगर बड़े हैं तो आप एक बार और इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करके और हेयर को खींच सकते हो।
और सारे बालों को अच्छे से फैला लेना है, जिससे कि आपका जो डोनेट बन है वो अच्छे से हाइड हो जाए। अब अच्छे से हाइड करने के बाद से आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए हेयर स्टाइल चाहिए, वैसे ऐसे भी टाइट हो जाता है ये बहुत अच्छे से, लेकिन आप चाहो तो यू पिंस ऐड कर सकते हो, जिससे कि और भी अच्छे से ये टाइट रहेगा और लंबे टाइम तक टिका रहेगा। तो ये आप पार्टी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके बाल छोटे हैं, पतले हैं, तो और आप उसको हैवी लुक दिखाना चाहते हो, तो इस तरीके का बन आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3-4 यू पिंस ऐड कर ले रही हूँ। तो ये था हमारा सेकंड हेयर स्टाइल, जो कि छोटे पतले बालों में बहुत ही अच्छा लगेगा आप अगर बनाते हो तो। उसके बाद से मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे अपने बालों पे लगाऊंगी एंड कॉम से अच्छे से बालों को सेट कर लूँगी। और एक यू पिन और लेके यहाँ पे सिक्योर कर दूँगी। अगर आप सिंपली बना रहे हो, ऐसे ही कहीं जाना नहीं है आपको, तो आप घर में बना रहे हो तो यू पिन्स, मतलब फ्लावर वाले यू पिन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप शादी पार्टी के लिए बना रहे हो, तो आप इस तरीके का फ्लावर वाला फ्लावर यू पिन्स ऐड कर सकते हो। सेंटर में ऐड कीजिएगा, फिर चारों तरफ से ऐड कर दीजिएगा, बहुत ही सुंदर सा लुक आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो आज की एंड हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।